एब्सोल्यूट पथेटिक फ्रॉम इंडियन फुटबॉल टीम। 25 रुपए की सब्सक्रिप्शन भी बेकार, 12:30 बजे तक उठ के मैच देखना, वो टाइम भी बर्बाद। एंड इंडियन फुटबॉल टीम को एक हफ्ते पहले दमक के उस स्टेडियम में पहुंचाना, वो भी बेकार। ISL से रवाना ही क्यों करा इन प्लेयर्स को, क्या इन्होंने दिखाया आज के मैच में? कुछ भी नहीं। एंड राउंड 3 की क्वालिफिकेशन डेंजर में है, सीरियसली। है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल के ऊपर मजाकिया वीडियोस मिलती रहती है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो कभी सीरियस फुटबॉल, अच्छी फुटबॉल तो खैर खेलती ही नहीं है। बट वॉट अ हॉरिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर टीम इंडिया। एक हफ्ते पहले हमारी टीम पहुंच गई, हमको लगा था कि शायद एक गोल तो कम से कम इंडिया मारेगी। एंड इट्स बीन 127 डेज, इंडियन फुटबॉल टीम ने जब आखिरी गोल मारा था। एंड हमारा जो आखिरी गोल था, लॉर्ड मनवीर सिंह ने जो मारा था कुवैत के अगेंस्ट, वो वाला एक गोल है जो 127 दिन पहले आया था। अब 5 मैचेस हो चुके हैं, इंडियन फुटबॉल टीम ने कोई गोल नहीं मारा है। एंड इस दौरान हमने 8 से 9 गोल्स खाए हैं। वॉट अ हॉरिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम अवर बैकलाइन, फ्रॉम अवर मिडफील्ड। मिडफील्ड तो पूरी गेम में थी ही नहीं, सिर्फ डिफेंसिव मिडफील्डर्स थे। यस आई नो, साहाल नहीं था, ब्रेंडन नहीं था एक टाइम तक, तो ये गैप बनना था मिडफील्ड में। बट फाइनल डिलीवरीज हमारी आकाश मिश्रा की एंड निखिल पुजारी की, दे वर ऑल्सो वेरी वेवर्ड। एंड सुनील छेत्री हो या विक्रम प्रताप सिंह हो या कोई भी और स्ट्राइकर हो, फिनिशिंग नहीं हो रही है हमारे प्लेयर्स से। एंड दिस इज द मेन कॉज के हमारे गोल ही नहीं निकल पा रहे। एंड दूसरी तरफ अगर मैं अफगानिस्तान की टीम की बात करूं यार, कूडोस टू डैम, क्यों उन्होंने 2 महीने का कैंप चूज करा इस स्टेडियम में, वो आज दिखा हाई अल्टीट्यूड वाले स्टेडियम में, क्यों इतने ज्यादा असरदायक हुए वो आज, वो हम सबको दिखा। उनका एक क्लियर प्लान दिखा, हमारी इंडियन टीम का कोई ऐसा क्लियर प्लान नहीं था। लग रहा था कि सारे के सारे ही पहली बारी खेल रहे हैं इंडियन नेशनल टीम की जर्सी पहन के। कोई कॉम्बिनेशन प्ले नहीं हो पा रहा था, कोई क्रॉसेस अच्छे नहीं डल पा रहे थे, डिफेंडिंग हमारी वेवर्ड हो रही थी, हमारी गोलकीपिंग की जो बॉल्स होती हैं गुरप्रीत सिंह संधू की, वो पता नहीं कहाँ जा रही थी। हमारे प्लेयर्स डिफेंड अच्छे से नहीं कर पा रहे, उनके जो काउंटर अटैक बन रहे थे अफगानिस्तान के, दे वर ऑल्सो वेरी लीथल। एंड 158th रैंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अगर आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो तो आई एम सॉरी, आप राउंड 3 में जाने लायक नहीं हो। एंड AFC एशियन कप नहीं भुला पा रहे थे हम, अब उसके साथ एक ये अफगानिस्तान का अवे फिक्सचर भी जोड़ दो, ना तो हमने गोल मारा ना ही हम अच्छा खेले। एंड आई डोंट थिंक के ये हेल्प करेगा ज़्यादा ईगोर सी मैच को, क्योंकि अब अगला जो मैच है इंडियन फुटबॉल टीम का वो गुवाहाटी में है, इसी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। एंड आई एम नॉट मच वेरी कॉन्फिडेंट कि हम उनके अगेंस्ट गोल भी मार पाएंगे अपने होम पे भी। एंड अफगानिस्तान ने आज दिखाया कि कितने बढ़िया हैं उनके ओरिजिन के प्लेयर्स, एंड दैट्स वाई यू नीड PIO एंड OCI प्लेयर्स इन योर कंट्री। नहीं बस का इनके प्लेयर्स का, जो हमारे प्लेयर्स हैं इस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम में, उनके बस का नहीं है, नहीं दिख रहा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं अपने आप को डे बाय डे। जो मर्जी आप रीजंस दे सकते हो, एक्सक्यूजेस अभी आने शुरू हो जाएंगे ईगोर सीमैच से, बट निल निल ड्रॉ अगेंस्ट अफगानिस्तान कभी भी किसी इंडियन फुटबॉल फैन को बर्दाश्त नहीं होगा। एंड स्पेशली जब वो मैच रात को 12:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, सब्सक्रिप्शन बेकार, टाइम बेकार, सब चीज़ें बेकार हैं। एंड हमारी टीम जो बेकार है वो तो है ही, बट लेट्स होप कि अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो गुवाहाटी वाला फिक्सचर है हमारे होम पे, शायद एक कहीं से कुछ ओन गोल मिल जाए, शायद कोई लकी गोल मिल जाए हमारे को, जैसे कुवैत के अगेंस्ट मिला था मनवीर सिंह को। बट इट्स हॉरिबल फ्रॉम अवर टीम इंडिया। एंड नहीं सपोर्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट्स हमारे को नहीं सपोर्ट करेंगी, अदर फेडरेशंस, इन्वेस्टर्स नहीं सपोर्ट करेंगे इस फुटबॉल को, ऐसी फुटबॉल अगर हमारी कंट्री खेलेगी तो। क्योंकि इंडियन फुटबॉल टीम की जो फुटबॉल है उससे आपकी कंट्री की फुटबॉल जानी पहचानी जाती है, ना कि ISL से। एंड ISL का क्या लेवल है एक बार फिर से हमारे को आज पता चल गया है। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स रिगार्डिंग दिस पथेटिक परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया। तो यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन, बाय, गुड नाइट।